Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 1 of class 9th number system। देखो इस चैप्टर में हम देखो 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है वो क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बेसिकली क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं हमारे पास उनका एक पूरा सिस्टम जो है उसके बारे में हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, राइट। देखो अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि हम इस दुनिया में जितने भी नंबर हैं उनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हम उनको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये नंबर लाइन है ना, ये ऐसा नंबर लाइन है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे पॉजिटिव आए थे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या आते हैं -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है। तो इस दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं उनको हम किस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं। अच्छा, वो टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं जरा एक बार देखते हैं अपन उनको भी, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, नंबर सिस्टम है, ठीक है। नंबर सिस्टम में हमारे पास दो तरीके के नंबर्स होते हैं, एक होता है रियल नंबर और एक होता है हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। देखो हमें अभी इसके बारे में नहीं पढ़ना है, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में अपन पढ़ते हैं क्लास 11th में, ठीक है। क्लास 11th में मैथमेटिक्स में अपन इसको पढ़ेंगे कि व्हाट इज इमेजिनरी नंबर्स। फिलहाल हमें किस पे कंसंट्रेट करना है, रियल नंबर्स पे, ठीक है। देखो रियल नंबर्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एच सी एफ ऑफ पी कॉमा क्यू इज 1, ठीक है। तो ये होता है रैशनल नंबर और प्रीवियस क्लासेस में क्लास 8th में हमने ये रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है। अब देखो रैशनल नंबर्स भी डिवाइडेड होते हैं, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स, इंटीजर्स जो इंटीजर हैं 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 -4 ये सारे क्या है इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स कैसे, जो 1/2 1/3 2/4 ये सारे क्या है नॉन इंटीजर्स, ठीक है। अब देखो इंटीजर्स में भी कैटेगरी होती है, होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर्स होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। और अपन एक जीरो भी बोल सकते हैं। होल नंबर्स को अपन कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर्स को अपन कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर को अपन कैपिटल क्यू से, इरेशनल को अपन कैपिटल क्यू के ऊपर सी लगा देते हैं, ठीक है। इंटीजर्स को अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर जेड से करते हैं, ठीक है। रियल नंबर को अपन कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, दीज आर वॉट होल नंबर्स, राइट, ठीक है। अच्छा, अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। अब देखो कहानी क्या है, कहानी ये है, नेगेटिव है -1 -2 -3 एंड सो ऑन, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो 0 जो है वो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, 0 इज न्यूट्रल, ठीक है। 0 को ना ही आप नेगेटिव में ले सकते हो ना ही आप पॉजिटिव में ले सकते हो। अब दो टर्मोलॉजीज होती हैं, एक होता है नॉन नेगेटिव, एक होता है नॉन नेगेटिव और एक होता है नॉन पॉजिटिव, एक होता है नॉन नेगेटिव और एक होता है नॉन पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब ऐसे नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। बेसिकली अपन किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? इंटीजर्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। पहली बात तो ये नॉन नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता कि जो पॉजिटिव है, नहीं। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव कौन से नहीं है? ये नंबर जो है वो नेगेटिव नहीं है। जीरो क्या नेगेटिव होता है? नहीं होता है। तो दीज आर व्हाट? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूँ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की, नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या है? जो पॉजिटिव नहीं है। तो नॉन पॉजिटिव में कौन से आ जाएंगे? ये वाले, ठीक है। तो जीरो जो है वो नॉन नेगेटिव में भी आता है और नॉन पॉजिटिव में भी आता है, क्योंकि जीरो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव। जीरो इज अ न्यूट्रल, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखें कि नॉन नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता है कि जो पॉजिटिव है, ये नहीं होता है। नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव नहीं है, ठीक है। बढ़िया। अच्छा, अब क्वेश्चन करते हैं। ये है हमारा पूरा जो हमने बनाया ये ट्री, ये पूरा क्या है? नंबर सिस्टम है, ठीक है। नंबर सिस्टम में एक और चीज होती है इमेजिनरी नंबर्स, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, क्लास 11th में आएगा वो, ठीक है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है आपके सामने, मैं कुछ एक स्टेटमेंट लिखूंगा, आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स। पहला स्टेटमेंट है हमारे पास, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये बताना हमें ट्रू है या फॉल्स है। देखो सारे होल नंबर्स क्या नेचुरल नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 2 3 4 5 6। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6। तो 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। 0 के अलावा जितने भी होल नंबर्स है वो सारे क्या है? नेचुरल नंबर है ना। 0 इसकी फैमिली से, होल नंबर्स की फैमिली में कौन कौन आता है? नेचुरल नंबर्स की फैमिली में कौन कौन आता है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो 0 इस फैमिली का एक, 0 ऐसा मेंबर है जो इसकी फैमिली में नहीं आ रहा है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नहीं बोल सकते। तो दिस इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दूसरा है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या हर एक इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर है? बिल्कुल सही बात है। -1 -2 0 1 2 3 सारे क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं। तो दिस इज ट्रू, ठीक बात, ठीक है। नेक्स्ट इज एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या हर रैशनल नंबर इंटीजर होता है? नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक रैशनल नंबर लिखा 1/2। क्या 1/2 एक इंटीजर है? नहीं है। 1/2 एक क्या है? एक रैशनल नंबर है, बट वो इंटीजर नहीं है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। कहानी पकड़ में आ गई, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 5 रैशनल नंबर, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 और 2। 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमने पहले 8th क्लास में भी करे हैं, 7th क्लास में भी करे हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं? देखो मैंने क्या किया, 1 को और 2 के बीच में लिखने थे। तो मैंने 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, इसको भी मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया। तो ये लिखा हुआ है 6/6, ये लिखा हुआ है 12/6। तो देखो एक तो आ जाएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ये सारे जो रैशनल नंबर्स हैं वो इसके बीच में आ रहे हैं। तो ये 5 रैशनल नंबर हमने 1 और 2 के बीच में लिख दिए, ठीक है। देखो हमने प्रीवियस क्लासेस में रैशनल नंबर्स के बारे में डीप में पढ़ा हुआ है। है ना, क्लास 8th में एक चैप्टर था पूरा रैशनल नंबर, ठीक है। इस चैप्टर में मेनली अपन क्या पढ़ने वाले कि व्हाट इज इरेशनल नंबर, है ना, क्योंकि इरेशनल नंबर से हमारा पहली बार मुकाबला हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, इरेशनल नंबर्स। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, तो जब तक के लिए पढ़ते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।